हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे NCHMCT के बारे में और कुछ नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं NCHMCT के लिए कि उसके एग्ज़ाम कब है, एडमिशन डेट का क्या है और कौन सी सिटी, हर चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाऊं और जिसमें आपको पूरी डिटेल दूं कि NCHMCT क्या है और इसके एडमिशन के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। NCHMCT, नेशनल काउंसलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम जो है कंडक्टेड होता है NTA के द्वारा, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें जो एग्जाम होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं और वो होते हैं एक साल में एक बार, जो कि आपको करना पड़ता है ऑनलाइन और वो होता है 3 घंटे के लिए। जैसे कि हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं जो हम स्कूल में एग्जाम देते हैं 3 घंटे के लिए, तो इसमें भी आपको एग्जाम देना पड़ता है जो कि जिसकी टाइम लिमिट होती है 3 घंटे और जो कि आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ऑल ओवर इन इंडिया 28 सिटीज़ में 86 टेस्ट सेंटर है जहाँ पर आपका नंबर आ सकता है, जहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ सकता है। टेस्ट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन 71 कॉलेज है जिसमें आपका नंबर आ सकता है। 71 कॉलेज ऑल ओवर इन इंडिया, आपका नंबर कहीं पर भी आ सकता है। बात करते हैं NCHMCT के इवेंट्स के बारे में। NCHMCT की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, इस साल के 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप NCHMCT की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं नीचे लिंक में दे दूंगा और आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो मैं आपको बता दूं, पहले वो 10 मई थी जो कि अब कोविड की वजह से 20 जून हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में NCHMCT का, तो अभी भी आपके पास टाइम है और 20 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी जो कि है जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एडमिशन फीस है 450 रुपीज़ ओनली। बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन की, तो वो पहले 12 मई थी जो कि अब 21 जून से स्टार्ट होगी और 30 जून तक आप कोई करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपने कोई गलती करी है अगर फॉर्म भरने में तो आपके पास टाइम है 21 जून से लेके 30 जून तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। इवन अगर आपने सेंटर जो है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है वहाँ पर अगर आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं अपना, तो वो भी आप कर सकते हैं। NCHMCT का जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी मैं अपने इसी चैनल में आपको बताऊँ कि वो कब मिलने वाला है। 20 जून एडमिशन फॉर्म भरने के बाद जो है उसका डेट निकलेगा, जो भी डेट होगा मैं यहाँ पर अपने चैनल में डाल दूंगा। यहाँ पर आप पता करके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें एग्जाम डे की, तो वो 12 जून को होने वाला था एग्जाम, बट अब पोस्टपोन होने की वजह से अभी उसकी कोई डेट नहीं आई है। जब भी उसकी डेट आएगी मैं उसके एडमिट कार्ड के साथ साथ उसकी भी डेट आपको अनाउंस कर दूंगा। जब भी उसकी डेट आएगी तो मैं आपको बता दूं कि उसका एग्जाम की डेट कब आने वाली है। वैसे आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं तो वैसे आपको पता चल जाएगा कि उसकी एडमिशन की डेट कब है, बट उसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और आप पता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्टेड होंगे YouTube चैनल के थ्रू या Instagram के थ्रू, तो आपको वहां से पता लगा आपके एडमिट कार्ड की डेट और एग्जाम की डेट। फिर से मैं आपको बता दूं कि 28 सिटीज ऑल ओवर इन इंडिया, 86 सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका टेस्ट हो सकता है। जहाँ पर भी आपने अपना लोकेशन डाला होगा टेस्ट करने के लिए, अपना एग्जाम देने के लिए, 86 सेंटर्स में से आपका नंबर कहीं पर भी आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चलेगा। एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर जो भी होता है वहाँ पर आप अपना डाल के पता कर सकते हैं उसके रिजल्ट के बारे में। तो फिलहाल उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। अभी आप अगर इंटरेस्टेड हैं NCHMCT के लिए तो आप जाइए और फॉर्म भरिए। गाइस, ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। यहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड में जॉब लेने के चांसेस होते हैं। काफ़ी कम पैसा आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका 12th पास होना ज़रूरी है पासिंग मार्क के थ्रू। और मैं आपको बता दूं इसकी एज लिमिट क्या है। अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 25 साल, अगर आप 25 साल के हो चुके हैं
तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 25 साल के अंदर आते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इसकी एज लिमिट जो है 28 ईयर है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आप एज लिमिट के अंदर आते हैं तो जाइए और बिल्कुल इसका फॉर्म भरिए। जस्ट 1000 रुपये में आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी और क्या पता आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो गाइस अभी आपके पास तैयारी करने का पूरा पूरा टाइम है। होप आप लोगों ने काफ़ी तैयारी करी होगी इस कोविड के टाइम पर घर में बैठे बैठे, और अभी भी अगर नहीं करी है तो गाइस अभी भी आप कर लीजिए, क्या पता आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर लें और नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से एग्जाम दे दें। तो गाइस मैं एक बार और आपको बता दूं कि पहले इसकी फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 31 मई थी, 31 मई जो अभी जस्ट गई है, अब वो एक्सटेंड होने की वजह से अब उसको 20 जून कर दिया गया है। आप लोगों के लिए काफी अच्छा हो चुका है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास खूब सारा अभी टाइम है। जाइए जल्दी से फॉर्म भरिए, एडमिशन कराइए और पास आउट होके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो गाइस होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके पास NCHMCET से कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो जस्ट कमेंट डाउन, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम में जो कि है देसी ब्लॉगर, आप मुझे वहाँ पर DM करिए और पूछिए जो भी आपका सवाल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।